तो गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रेसल भी। तो भाई एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है सीएम पंक को लेकर के कि सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता सीएम पंक को एईडब्ल्यू से फायर कर दिया गया है। हाँ रिसेंटली अभी टोनी खान ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज करी थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, लेकिन अभी उनका जो रिसेंटली कल ऑल आउट का पेपर भी हुआ है वहाँ पर आ करके टोनी खान ने साफ साफ रीज़न बता दिया कि उन्होंने सीएम पंक को क्यों फायर किया। तो वो बोल रहे थे कि सीएम पंक पीछे बार बार ब्रॉल करते रहते थे एंड बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती थी एंड उनको अब सीएम पंक से सेफ फील नहीं हो रहा था, उनको थ्रेटन लग रहा था कि सीएम पंक उनको नुकसान पहुंचा देंगे। कुछ इस चीज़ को लेकर के टोनी खान काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हो रहा है कि भाई तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय तुम्हें थ्रेटन कर देगा, इतनी सिक्योरिटी है तुम्हारे पास। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जो टोनी खान ने खुद बोल दिया कि सीएम पंक अब एईडब्ल्यू का पार्ट नहीं एंड उनको इमीडिएटली फायर कर दिया गया है। तो भाई अब यहाँ पर से पूरे पूरे चांसेस हो चुके हैं कि सीएम पंक अब अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ सीएम पंक के रिलेशन पहले ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं एंड जब से ट्रिपल एच इन कंट्रोल आए थे तब से तो सीएम पंक के रिलेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गए थे। एंड अगर आपको नहीं पता हो अभी कुछ टाइम पहले भी सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज शो हुए थे जहाँ पर वो मिच से बात कर रहे थे एंड ट्रिपल एच से नहीं मिल पाए थे क्योंकि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भेज दिया था क्योंकि AEW उन पर कुछ लीगल एक्शन ले सकती थी, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं की थी। लेकिन अब WWE का साफ साफ भाई पक्का हो चुका, आप एक तरह 100% कन्फर्म मान लीजिए कि सीएम पंक अपना रिटर्न WWE में करने वाले हैं। एंड जहाँ पर से अभी रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है, हालांकि अभी AEW की तरफ से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होगी, जैसे 30 दिन या 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है जिससे कोई भी कंपनी में हम वर्क नहीं कर सकते। तो मे बी अभी जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि सीएम पंक WWE में अपना डेब्यू सर्वाइवर सीरीज में कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज होने वाले शिकागो में एंड शिकागो उनका होम टाउन है। सेम ऐसे उन्होंने अपना AEW में डेब्यू किया था एंड मे बी हो सकता है यहाँ पर से वो अपना WWE में रिटर्न भी कुछ इसी तरह से। तो भाई अब आप लोग के क्या थॉट है सीएम पंक के रिटर्न को लेकर के, आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।